नमस्कार दोस्तों, सीता की मधुर रसोई में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए हम देसी घी 2 से 3 चम्मच हम लिए हैं और इसमें डालेंगे बर्फ का क्यूब और डाल करके अच्छे से हम फेटेंगे। जब तक फेटेंगे कि इसमें क्रीम के जैसा वाइट वाइट ना हो जाए, एकदम क्रीम के जैसा स्मूथ डो के जैसा बनाना है। तो देखिए एकदम सॉफ्ट डो हम इस तरह से फेटेंगे और ये देखिए एकदम फ्लॉफी क्रीम के जैसा, जैसे अपना केक का व्हिप क्रीम होता है उसी तरह से फेटना है। और देखिए 1 कप हम मैदा लिए हैं और मैदा डाल करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इसमें चारों तरफ से हम अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से हम फेंट लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह लम्स वगैरह न रहे। और जितने अच्छे से आप फेंटेंगे उतने अच्छे से ही घेवर बन के तैयार होगा। और तो देखिए दोस्तों अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम फेंटेंगे ताकि हमको ये जो घेवर का डो है आसानी से तैयार हो। ये देखिए जलेबी के जैसा फेंटते हैं उसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पतला डो तैयार करना है। और जितना ही ठंडे पानी का यूज करना है, नीचे बर्फ़ रख दीजिए और ठंडे पानी डाल करके फेंटना है। तो देखिए दोस्तों अभी हम थोड़ा सा 1 चम्मच हम नींबू का जूस डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा होता है घेवर हमारा, और मिक्स करेंगे। तो देखिए इतना पतला होना चाहिए और तेल गरम हो गया तो थोड़ा थोड़ा हम डाल करके टपकाएंगे। तो ये देखिए जितना ही थोड़े थोड़े डाल करके टपकाना है और गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई करना है। और देखिए बीच में थोड़ा सा होल कर देंगे एक कांटे से, लकड़ी से, चाहे जो भी आपके पास है हम साइड कर देंगे और थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। तो देखिए किनारे कर देंगे तो घेवर साइड साइड से कैसा जाली के जैसा आकार ले रहा है, गोल आकार। और फिर से हम थोड़ा थोड़ा ऐसा टपकाते जाएंगे और जितना अच्छे से ठंडा रहेगा उतने अच्छे से छन्न की आवाज़ करेगा। तो हम इस तरह से डालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा बीच में हम गैप करते जाएंगे, यानी जगह बना देंगे डालने के लिए। तो इस तरह से हम घेर बना लेंगे और थोड़ा सा और टपकाएंगे तो जगह अपना वो बना लेता है घेवर। और थोड़ा सा पकने के बाद में फिर से हम वही प्रोसीजर करेंगे जो पहले किए थे। तो देखिए अच्छे से घेवर पक जाए तो साइड से हम किनारे से छुड़ा लेते हैं, ऊपर तक पकना चाहिए दोस्तों। तो देखिए नीचे से ब्राउन हो गया है, गैस का फ्लेम थोड़ा सा हम मीडियम रख देंगे ताकि नीचे से जले ना। और ये देखिए बीच में गैप हो गया है तो अभी हम घेवर पक के तैयार हो गया। तो देखिए कितने आराम से गोल आकार घेवर निकल के आ गया है। तो हम बेलन एक लिए हैं, चाहे काटी आपके पास है तो लेकर के निकाल सकते हैं। तो एक देखिए छोटा घेवर हम बनाएंगे तो रिंग रख दिए हैं उसी टोप में, उसी कढ़ाई में। तो हम थोड़ा थोड़ा इसको भी वही प्रोसीजर करना है और इसी तरह से टपकाना है। तो देखिए छोटा घेवर ये है वो हम बिना रिंग डाले ही बनाए और ये हम रिंग डाल के थोड़ी सा छोटी साइज बनाए। तो ये भी देखिए साइड से हम निकाल लेते हैं और ये देखिए एक
काटी लिए हैं उसे हम निकाल लिए, तो जितना हम मैदा लिए थे उतना ही शक्कर लेकर के और उतना ही पानी डाल करके, एक कप शक्कर है तो एक कप पानी डेढ़ कप डाल करके हम चाशनी तैयार करेंगे। तो दोस्तों हम अभी कूटी हुई इलायची डाल देते हैं इसी समय पकने के लिए। शुगर सिरप बनाना है, थोड़ा सा चिपचिपा होना चाहिए और हम रबड़ी बना के रख दिए हैं। और रबड़ी की रेसिपी चाहिए तो आप सीता की मधुर रसोई के चैनल पर, वहाँ आपको मिल जाएगा रबड़ी की रेसिपी। तो बना के हम रख लिए हैं, तो चलिए अभी निकाल लिए तो चाशनी बन के तैयार हो गई है शुगर। तो चाशनी अभी हम इसके ऊपर गरम गरम डाल देते हैं घेवर के ऊपर। तो ये देखिए जितना खाने का है उतना ही आप चाशनी में डाल करके घेवर मिठाई खा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे पास रबड़ी है, मैं रबड़ी बना के रखी हूँ, तो रबड़ी हम ऊपर से लगाएंगे और ये मिठाई इतनी ही टेस्टी लगती है कि आप कितना भी खाओ तो भी मन नहीं भरता है। और कोई भी मेहमान घर पे आए तो झटपट ये मिठाई बनके घर के सामान से तैयार हो जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं आती है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। ऊपर से हम देखिए बादाम है और काजू से डेकोरेशन करते हैं। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो भी ये घेवर की मिठाई बहुत ही अच्छी लगती है। और इस तरह से आप लोग बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपकी रबड़ी मिठाई कैसी बनी है ये घेवर। कोई भी आपके घर में मेहमान हो या तो कोई आ गया तो आप लोग ये खाना के साथ ये बना करके उनको मीठा में सर्व कर सकते हैं। ये घेवर मिठाई बहुत ही अच्छी लगती है, ज़रूर से एक बार बनाइए, ट्राई करिए, ज़रूर ही घेवर मिठाई आप लोग को पसंद आएगी। तो थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।